दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही एक लोकेशन ट्रैकिंग ऐप जिसका नाम आरोग्य सेतु ऐप था, इसे लॉन्च किया था। और इस ऐप को लॉन्च करने के कुछ समय के बाद से ही ये बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी कि इस ऐप में सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ऐप से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है इसके बारे में बताने वाला हूं। और मैं आपको मोर इम्पोर्टेंटली इस वीडियो में आज ये बताने वाला हूं कि जाने माने फ्रेंच हैकर्स रॉबर्ट बाप्टाइस का इस ऐप के बारे में क्या दावा किया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये रॉबर्ट बाप्टाइस हैं कौन। दोस्तों, रॉबर्ट बाप्टाइस बहुत जाने माने फ्रेंच हैकर्स हैं और ये वही शख्स हैं जो आधार लीक के बारे में अनाउंसमेंट किए थे। और इसके अलावा भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बहुत सारे अनाउंसमेंट ऐसे कर चुके हैं जो साइबर थ्रेट से रिलेटेड है, डाटा ब्रीचिंग से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इस फ्रेंच हैकर्स रॉबर्ट बाप्टाइस का क्या कहना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं रॉबर्ट बाप्टाइस का क्या बोलना है, क्या दावा है इस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही रॉबर्ट बाप्टाइस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके ये बताया कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है इसमें यूजर्स का प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा खतरा है और भारत में फिलहाल ऐसे 9 करोड़ यूजर्स हैं जिनके प्राइवेसी में दखल अंदाजी किया जा सकता है, उनका प्राइवेसी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये अपने ट्वीट के माध्यम से ये भी बताया कि राहुल गांधी ने भी जो अपने ट्वीट में बोला था इस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कि इसमें बिल्कुल भी यूजर्स का सेफ्टी नहीं है, इसमें डेटा ब्रीचिंग का बहुत ज्यादा खतरा है, वो बिल्कुल सही बात है। ये अपने ट्वीट में ऐसा इन्होंने बोला। इस ट्वीट के लगभग एक घंटे के बाद रॉबर्ट बाप्टाइस ने एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट में इन्होंने ये बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इनसे संपर्क हुई है और इसके बारे में उनसे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया और इन्होंने ये बताया कि लगभग 49 मिनट्स के बाद CEAT, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम, और NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से भी इनका संपर्क हुआ है और इनका जो दावा है इस आरोग्य सेतु ऐप के थ्रेट के बारे में उसके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने CEAT और NIC को दे दिया है और वो इस पे अभी वर्क करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि CEAT और NIC भारत की संस्था है और NIC के द्वारा ही इस आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किया गया है। दोस्तों, फिलहाल रॉबर्ट बाप्टाइस इस सिक्योरिटी थ्रेट को पब्लिक नहीं किया है क्योंकि इसमें लगभग 9 करोड़ यूजर्स का प्राइवेसी दाव पे लगा हुआ है। इनका ये बोलना है कि इनकी जो बात है वो CEAT और NIC से हो चुकी है और उनको ये पूरी जानकारी दे चुके हैं कि किस तरीके से इसमें संशोधन की जरूरत है और ये इंतजार कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसके बाद ये इस बात को पब्लिक भी कर देंगे कि आखिर इसमें कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट था जिसके कारण से यूजर्स का प्राइवेसी दांव पे लगा हुआ था। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये सभी को जानना चाहिए कि फिलहाल इस आरोग्य सेतु ऐप में बहुत सारे लूपहोल्स हैं और अगर आप यूज कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल आप बहुत हाई रिस्क पे हैं कि आपका प्राइवेसी में सेंध लग सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।